तवा नान। तवा नान बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1 कप दही, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ गार्लिक और 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर। अब हम इसे हाथ से गूंदना शुरू करेंगे। हमें इसे इस प्रकार से गूंदना है जैसे हम एक नॉर्मल आटे का डो तैयार करते हैं, जो देखिए इस तरह से। पहले हम सभी इन इंग्रेडिएंट्स को मैदे में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गूंदना शुरू करेंगे। जी देखिए, अब हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है और अब हम इसे निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे और इसे 8 से 10 घंटे तक रेस्ट पर छोड़ेंगे। इसे कवर कर कर 8 से 10 घंटे की रेस्ट देने के बाद ये देखिए ये कितना स्मूथ हो गया है। अब हम इससे एक लोई तैयार करेंगे और इसे बेलन की सहायता से नान की शेप की तरह इसे तिकोना बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसे धीरे से उठाकर हम तवे पर डालेंगे। तवा हमारा पहले से गर्म होना चाहिए। अब हम इसे 1 मिनट के बाद पलटेंगे और फिर सेम 1 मिनट के बाद दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखिए नान हमारा दोनों तरफ से पक गया है और अब हम इसे दोनों तरफ से दोबारा सेकेंगे। नान पककर तैयार हो गया है और इसी तरह से हम बाकी के नान भी बनाएंगे। आप चाहे तो आप इसे ओवन में बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए नान कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं और अच्छी तरह से पक गए हैं। बटर में हरा धनिया काट कर डालें और इसको नान के ऊपर लगाएं। और देखिए जी हमारे नान पककर तैयार हैं। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।